हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम इससे पहले की एक वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किया था अपनी कम्युनिटी पे चैनल की, तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। मैं आज क्वेश्चन पेपर ही आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं होगा। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन पेपर जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का, और सेकंड क्वेश्चन है एनोवा का, वन बी एनोवा। हम उसको आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो वन बी एनोवा से हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में थ्री ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं, ए बी सी, और डेटा दिया हुआ है ए बी सी का। ठीक है, और इसकी क्रिटिकल वैल्यू जो लास्ट में आपकी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर्स भी एक तरीके से ये है जिसके अकॉर्डिंग आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो जो सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 का है वो 3.35 आएगा, और जो 0.01 है वो 5.49 आएगा। ठीक है, तो अगर इतना आता है जो भी हमारा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जो टेबल में देखेंगे, इतना अगर हमारा डेटा वैल्यू आती है तो दैट मीन्स कि जो सॉल्व किया है हमने क्वेश्चंस वो सही हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर एक टेबल के उसमें फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए सेक्शन को हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, सम करना है। तो ए ग्रुप को हमने सम किया है, 40 आया है, एंड देन आफ्टर दैट बी ग्रुप को हमने सम किया है, 55 आया है, और फिर हमने सी ग्रुप की वैल्यूज़ को सम किया है तो 90 आया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हो गया। फिर हमें क्या करना है कि हम ए ग्रुप का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये ए ग्रुप है इसको यहाँ पे स्क्वायर करके लिखा हुआ है, और फिर जो स्क्वायर से उसके जो वैल्यू हमें मिली है उसकी वजह से उसको हमने सम करके यहाँ पे ए स्क्वायर को सम करके यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस हमें बी ग्रुप का स्क्वायर करके करना है और सी ग्रुप का स्क्वायर करके करना है, और उनकी सारी जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हमें सम करके यहाँ पे लास्ट में टोटल करके लिखना है। ये आपका टेबल का काम यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, अब फिर हम आते हैं स्टेप्स पे। ओके, तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, करेक्शन टर्म को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जिसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन इसका फॉर्मूला है। सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स जो है वो ग्रुप ए बी सी, ये तीनों सिग्मा है, एक्स हैं। ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू हमने सम की थी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, मैंने पूरा डिटेल्स में नहीं लिखा है बट ये ऐसे ही होता है, और यहाँ पे 40 55 90, तो दैट मीन्स कि ये तीनों ग्रुप की यहाँ पे वैल्यू आ गई, और फिर अपॉन में तीनों ग्रुप का एन जो है वो 10 10 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर्स डाल दिए थे इसलिए, तो 10 10 है, तो तीनों का हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 40 55 और 90 है इसका होल स्क्वायर होगा, इसको मैं करना थोड़ा सा भूल गई अब। ओके, तो फिर हमारा करेक्शन टर्म का सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया, हमारा आंसर ये हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्टेप टू होगा, आप उसको देख सकते हो। इसको कैसे सॉल्व किया है ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है नहीं। इन तीनों डिजिट को वैल्यू को हमने पहले ऐड किया है, फिर इसको स्क्वायर निकाला, और 30 से ये तीनों एन नंबर्स जो हैं उसको ऐड करके यहाँ पे 30 आ गया है, और फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे वो जो डिजिट आएगी उसको 30 से हमें डिवाइड करना है, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम सेकेंड स्टेप्स में क्या करेंगे, SST मतलब कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, जितना भी आपने स्क्वायर किया है ना ए बी सी ग्रुप का उसका सम टोटल सम अप करना है। ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना है कि इसका ये है, आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है,
अब इसमें x वही सेम प्रोसेस होगा कि जो एक्स स्क्वायर में हमने क्या किया है, ए ग्रुप का भी स्क्वायर किया है, बी ग्रुप का भी स्क्वायर किया, सी ग्रुप का भी स्क्वायर किया। तो जो वैल्यू हमें मिली थी वो हमने सम करके जो हमें वैल्यू मिली थी वो हमने यहाँ पे लिखी है टोटल, और सी एक्स जो हमें वैल्यू ऊपर फाइंड आउट हुआ था तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है और इन दोनों को माइनस कर दिया है। आप स्टेप टू थोड़ा लेंदी होता है एनोवा के सारे क्वेश्चंस, 1 वे 2 वे भी, और एग्ज़ाम्स में ये मोस्टली आते ही हैं इग्नू के। तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको अच्छे से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम तीनों ग्रुप्स को के रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज के थ्रू, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं कैलकुलेशन ही बता रही हूँ आपको। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ऐसे से मतलब सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, जो ग्रुप है उसके स्क्वायर का हम सम को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक्स का जैसा कि मैंने बताया कि तीनों होगा 40 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर एंड 90 होल स्क्वायर, जो कि हमें ग्रुप में फाइंड आउट था। और ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। मतलब कि जितना भी हमने ए बी सी का स्क्वायर नहीं, जो सिर्फ ए बी सी ग्रुप का जो सम हमने किया था वो यहाँ पे सिर्फ लिखना है और उनको स्क्वायर करना है। अपॉन में 10 10 10 जो एन होगा वो लिखना है, और माइनस करके जो हमें सी एक्स वैल्यू करेक्शन टर्म जो हमें फाइंड आउट हुआ था उस पे से हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 131.67 डिजिट फाइन मिल जाएगी, ठीक है, गिवन हो जाएगी, आंसर यहाँ पे आ जाएगा इसका। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप। ओके, तो फिर अब हम सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप को फाइंड आउट करेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी, हम देख सकते हो, SSW इज इक्वल टू SST माइनस SSA। जो हमने दो डिजिट हमने फाइंड आउट की है उस दोनों को माइनस करके हमें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। स्टेप 4 ये हो गया हमारा। अब स्टेप 5 में हमें क्या करना है, मीन सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। हमें मीन का सम निकालना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है MSSA इज इक्वल टू SSA। SSA का हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये एक्चुअली होगा यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। तो ये SSA हो गया और K-1 हो गया। अब K-1 मीन्स कि 3 ग्रुप्स हैं, तो ये जो कैपिटल K है ये आपके 3 ग्रुप्स होंगे। तो यहाँ पे 3-1 हो गया और SSA का जो डिजिट हमने लिया था, फाइंड आउट किया था ऊपर, वो हो गया। अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, तो हमें मीन सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप का वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है MSSW, मीन सम ऑफ स्क्वायर गिवन द ग्रुप। मतलब कि हमें उस ग्रुप का जो स्क्वायर निकाला है हमने उसका इंडिविजुअली, एमंग हमने निकाला है, एमंग द ग्रुप और विद इन द ग्रुप, दोनों ग्रुप का, दोनों रिजल्ट का हमें मीन फाइंड आउट करना है, ये है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो अब SSW का जो हमें रिजल्ट आया, मतलब जो भी आंसर हमारा मिला था, हमें गिवन वैल्यू मिली थी उसको लिखना है और n माइनस k करना है। n का मतलब यहाँ पे 30, यू नो दैट, जैसे कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, तीनों ग्रुप का 10 10 10 30 हो गया यहाँ पे, और MSW की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, और k मीन्स कि जो ग्रुप है 3 ग्रुप्स वो हो गए, ठीक है। और फिर हमारा ये आ गया रिजल्ट MSSW, मतलब मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। ऊपर हमने फाइंड आउट किया था एमंग द ग्रुप और नीचे हमने किया उसके विद इन द ग्रुप, ठीक है, मीन निकाला उसका। अब हमें एफ रेशियो निकालनी है,
तो हमारा जो दोनों ग्रुप का एमंग द ग्रुप और विद इन द ग्रुप, ये ए और डब्ल्यू उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का जो हमें वैल्यू मिली थी उन दोनों को हमें डिवाइड करना है इस फॉर्मूले के थ्रू, फिर हमारा रिजल्ट आ गया 14। ओके, ये 14 पॉइंट समथिंग करके था, तो सिर्फ 14.0, 14.0 करके था, तो मैंने यहाँ पे 14 ही लिया है। आप उसको दोबारा से खुद से सॉल्व करना क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे टेबल बनाया है समरी ऑफ एनोवा की। तो सबसे पहले हमने एमंग द ग्रुप और विद इन द ग्रुप का वैल्यू लिखी है, ठीक है, यहाँ पे SS की और ये MSS की, ठीक है। SSW और SST का ये हो गया, ठीक है, और ये MSS मतलब कि W और A, ओके, यहाँ पे हो गया। और इन दोनों का जब हमने फाइंड आउट किया तो हमारा एफ रेशियो कितना आया, 14, ये मतलब दोनों का है, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने फाइंड आउट किया है K-1 एमंग द ग्रुप की, तो 3 जो है वो हमारा ग्रुप है, 3 ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे हमारा K3 आया है, ठीक है। यहाँ पे 1 = 2, तो हमारा एमंग द ग्रुप का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, 2, और विद इन द ग्रुप का डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है N-K। तो N हमारा क्या है, 30, ठीक है। तीनों ग्रुप का जो हमें वैल्यू दी गई है उनको जब हमने ऐड किया, 10 10 10, तो 30 हो गई। और K जो है आपको पता है कि 3 है हमारे ग्रुप, इसको माइनस किया है तो ये हो गया 27, ठीक है, ये हो गया 29। ये आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको इंटरप्रिटेशन करना है कि जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू आएगी लास्ट में उसी के अकॉर्डिंग आपको टेबल में देखना है। आप अगर सर्च करोगे गूगल पे तो वहाँ पे आपको टेबल मिल जाएगी बहुत इजीली, आप उसमें देख सकते हो। बस आप उसमें ये देखना कि कौन से सिग्निफिकेंस की है, 0.05 लेवल की है या 0.01 लेवल की है। मैंने यहाँ पे 0.05 लेवल का इंटरप्रिटेशन किया है, ठीक है, और आपको 0.01 लेवल का इंटरप्रिटेशन करके बताना है कि आपका एग्जैक्ट एग्जैक्ट आंसर जो क्वेश्चन में क्रिटिकल वैल्यू दी गई है वही आई है या नहीं, आपको उसको फाइंड आउट करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन करना है। तो जो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो मैंने टेबल में वैल्यू देखी थी, एफ वैल्यू, वो 3.35 मेरी आ गई थी, जो कि 14 वैल्यू से काफ़ी हाई है। 14 काफ़ी हाई वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है, जो हमारा लास्ट में एफ रेशियो आया है वो ज़्यादा है जो हमने इससे देखा है। देखो 3.35 तो छोटा है ना, लेस देन 14, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा जो सिग्निफिकेंस है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें कि हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 and 27 है, इसकी वजह से कि वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी वजह से हमारी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट होती है, ठीक है। अब आपको यही चीज़ 0.05 लेवल को देखकर, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहेगा बस आपका टेबल चेंज हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बट ये आपका होमवर्क है, आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। सारा सेम है, बस आपको इंटरप्रिटेशन करना है 0.01 लेवल का। ओके, आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी अदर वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो तब तक मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।